मरु मंगला इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं सुषमा, लेकर आई हूं मरुमंगला का छठा अंक। यादें, उससे जुड़े अनुभव और उस अनुभव की डोर थामे कुछ उम्मीदें, कुछ नया कर गुजरने की चाहत, यही सब तो होता है हर साल। हर साल मतलब पुराने साल को अलविदा कहते हुए जब हम नए साल का स्वागत कुछ इसी तरह से करते हैं। ये सिलसिला न जाने कब से चलता आ रहा है और न जाने कब तक चलेगा। वैसे इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमें अपने आप को आने वाले समय या नए साल से कुछ काम पहले ही सौंप दिए जाएं। इनमें से कई काम बहुत ही सफल तरीके से हो जाते हैं। उन कामों को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। आप शायद नहीं जानते कि हमारे आसपास ऐसे कई काम सिर्फ संकल्प के अभाव में अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका संकल्प वाकई तारीफ के लायक है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको उन्हीं से की गई खास बातचीत सुनवाएंगे। आप हैं प्रिया अग्रवाल हैबर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड। आजकल बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं, तो उनके मन में खुद को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने में वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि वक्त की मार से धुंधलाई आंखें भी उनको लेकर कुछ सपने देख रही हैं। पर आगे बढ़ते बच्चों को वो दिखाई ही नहीं देते। ऐसा सब जगह हो ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ युवा हैं ऐसे, जिनके लिए अपने माँ बाप का सपना ही सब कुछ होता है। आश्चर्य हो रहा है ना? पर यहाँ की जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ना, वो आज के युवाओं से बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे जिंदगी में कि कुछ मैं कर, और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि इतना कुछ किया है मेरे पापा ने। कम उम्र में जो वो स्ट्रगल किए वो तो शायद मैं कभी ना देख पाऊं, और इतना कुछ मेहनत किए वो जो तैयार रखे, तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उसको तो मैं कभी बोझ की तरह समझूंगी नहीं। यहीं से शुरू होती है कहानी नंदघर की भी। नंदघर यानी बच्चों के लिए दूर दराज गांवों में एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्कूल जहां शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास बराबर मात्रा में हो। बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ शिक्षा, नंदघर का मुख्य उद्देश्य है ये, और इस काम में वो सफल भी हुए हैं। उनकी सफलता को इस बात से जाना जा सकता है कि आज जहां भी नंदघर है वहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते और खेलते नजर आ जाएंगे। उनको आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति से भी जोड़ा गया है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ लिख कर आज की मुख्य धारा में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये शुरू हुआ था ये एक सोच कि कोई बच्चा मैल नरिश ना हो, और उसी से ये नंदघर जो वर्ड है, जो टाइटल है, जो नाम है, वो नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है जी। और जो और बहुत करीब से वो ट्रैक करते हैं कि कैसे चल रहा है। हमारे ऑलरेडी 4,000 कंप्लीट हो चुके हैं और राजस्थान के साथ 25,000 और कर रहे हैं। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सपना है कि जो 13 लाख आंगनबाड़ी है देश में सब नंदघर बन जाए, क्योंकि इसमें जो हेल्थ केयर है, जो जो न्यूट्रिशन है, जो और जो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी के तौर एजुकेशन देते हैं, ऐसा हम लोग ने एक मॉडल बनाया है जहां हर बच्चा जो निकलता है वहां से वो हेल्दी बच्चा मिलता निकलता है, एक वैल्यू रहता है बच्चे में। और ये एक और हम ऑलरेडी जो केस स्टडीज करते हैं, जो रेगुलर आंगनवाड़ी में
30-40% बच्चे माल नरिश हो, यहाँ पे खाली 7-8% बच्चे माल नरिश है, बाकी सब हेल्दी निकल रहे हैं। तो ऑलरेडी ये बहुत सक्सेसफुल है और पूरे देश को रेप्लिकेट करनी चाहिए। कल तक तू फरो यवारा नखरा कर तो नारा नारा, कल तक तू फरो यवारा नखरा कर तो नारा नारा। अबे नंद घर आवरा जो, अबे नंद घर आवरा जो, दीदी करे निमान रे मन्नु मीठी मान रे, मन्नु मीठी मान रे, मन्नु मीठी मान रे, मन्नु मीठी मान रे। कोई बहानो कहते हैं कि बचपन में जो घटित होता है वो आपकी जिंदगी बदल देता है। कई बार ये बदलाव बहुत नकारात्मक होते हैं, जिनके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। कुछ परिणाम बहुत ही सकारात्मक होते हैं और जो सकारात्मक होते हैं वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। अपने आसपास किसी भी इंसान में वो सब कुछ दिखता है जो बचपन में भुगता जा चुका हो तो मन एकदम विचलित हो जाता है। उस विचलित मन से निकलता है रन फॉर नो हंगर जैसा विचार और उसे मूर्त रूप देने के लिए लग जाते हैं सभी जी जान से। तो ये रन फॉर जीरो हंगर जो हमारा टाइटल था इस बार, ये बहुत पहले से एक मेरे पिताजी की ख्वाहिश है, एक दिल में बसी हुई उनके बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि कोई बच्चा भूखा ना नहीं सोना चाहिए। वो खुद वो बच्चा रहे हैं घर पे, उनकी माँ को मेरी दादी जी को लगभग 200-300 रुपया मिलते थे महीना, और उसमें पूरा घर संभालना और 4 बच्चे का देखभाल करना उसमें करती थी। और काफी टाइम ये आए हैं वो पूरी कोशिश करती थी, वो खुद सो जाती थी भूखा लेकिन बच्चे लोग को खाना खिला देती थी। कभी कभी वो भी टाइम आया कि मेरे पिताजी उनमें से एक बच्चे जो खाना नहीं मिलता था और वो सो जाते थे भूखा, तो उसी टाइम से उनको ये दिल में बैठा हुआ है कि कोई बच्चा को ऐसी ऐसी नौबत ना है कि वो भूखा सो जाए रात को। तो शुरू से बोले आ रहे हैं मुझे भैया को सबको कि जो मुझे एक बदलाव लाना ये देश में वो ये है कि कोई बच्चा भूखा ना सोए। और उधर से ननघर शुरू हुई हमारी। ननघर की मेन जो फोकस है वो है मैल नरिशमेंट में, जहाँ हमारा एम है कि 8 करोड़ बच्चे और 13 लाख आंगनवाड़ी जो है देश के वो सब ननघर बन जाए और वहां पे बेस्ट इन क्लास न्यूट्रिशन मिले हर बच्चे को। और इसी से फिर ये रन फॉर जीरो हंगर आया। जो हम दिल्ली मैराथन भी किए थे वो भी रन फॉर जीरो हंगर ही था। हम देश को साथ मिला के उनको सबको एक मूवमेंट पैदा करना है कि ये रन फॉर जीरो हंगर एक बड़ी चीज हो जाए, जो सब लोग सोचे कि हमारे देश में बच्चे अभी भूखे है, उनको हम कैसे हेल्प कर सके। तो लोग भागते हैं अपने हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए भागते हैं, कंपटीशन के लिए भागते हैं, लेकिन एक और एक ले आए कि आप भागोगे तो हर जो बच्चा भागेगा, हर जो शख्स भागेगा, हर किलोमीटर एक मील डोनेट करेंगे बच्चे को। तो एक रीजन के लिए भी भाग रहे, तो उनको भी अच्छा लगे। इंसान किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही छोटी या बहुत ही मामूली होती है। इस मामूली शुरुआत का जज्बा पहाड़ से भी ऊंचा होता है, जिसके सहारे वो आगे बढ़कर विजय पताका फहराता है। हमारे मेहमान आज उसी जज्बे की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आंखें कितनी भी छोटी हों, उन आंखों में सपने बड़े होने चाहिए और उससे भी बड़ा हौसला होना चाहिए जो सपने को साकार करने में आनाकानी ना करें। शुरुआत पिताजी का तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था और लेकिन उनके दिल में हमेशा सपना था कि मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। हमेशा पूरे टाइम ये सोचते थे। छोटी सी कहानी मैं बता सकती हूँ कि घर तो बहुत साधारण सा घर था उनका, और वहाँ पे वो खुद परेशान होते थे कि मुझे एक सोफा चाहिए घर पे, मुझे एक फ्रिज चाहिए घर पे, ऐसा घर में नहीं रहना है। लोग आते हैं तो ऐसे घर पे आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है।
तो एक बार मेरे दादाजी दादाजी और ये मेरे पिताजी 15-16 साल के होंगे तब, उससे भी कम होंगे, मेरे दादाजी दादाजी बाहर गए थे कुछ कुछ काम के लिए 2-3 दिन। उस टाइम में घर बेच दिए अपना और बड़ी घर ले लिए, पता नहीं कैसे उन्होंने जुगाड़ कर लिया। लेकिन जब मेरे दादाजी दादाजी लौट के आए, देखे कि उनका घर ही नहीं है, वंडर करे कि घर का क्या हुआ। देखिए पास तो थोड़ा सा और बड़ा घर ले लिया, उसमें एक सोफा और एक फ्रिज रखा हुआ है। ये शुरू से मेरे पिताजी में था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो और ये उन्होंने उनमें ये है और उधर से ही शुरू हुआ है हमारा कहानी। वैसे मेरा पैदाइश हुआ क्वींस न्यूयॉर्क में, और कैसे तो हम पहुंचे वहां पे क्या, ताकि उनके बच्चे को एक अमेरिकन पासपोर्ट, ऐसे कुछ सोचे कि उससे बिजनेस ज्यादा कुछ हो सकता है, तो पहुंच गए वहां पे। मुझे मेरा मेरा मेरे जो डिलीवरी हुई उसके भी पेमेंट करने के लिए हम जो घर पे जो कारपेट था वो बेच के पेमेंट हुई है। तो बहुत ही इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन सोच हमेशा बड़ा था कि कुछ करेंगे और कुछ देश में कुछ बदलाव लाएंगे। बदल रहा बाड़ा मेरा, चमक रहा चहुर, वक्त गया मजबूरी, वक्त गया हर मजबूरी का, अब विकास का आया दौर। बदल गया बाड़ा, अब विकास का आया है दौर, बदल गया बाड़ा। अरे बालक शिक्षा पाएगा अंग्रेजी में शाला, बदल रहा बाड़ाना, जोश भी होगा जज्बा भी होगा, जोश भी होगा आलक हर माला में, नदिया रफन बदला, जो इंसान बच्चों के भविष्य के लिए इतना चिंतित है, जानवरों का दुख समझ रहा है, वो भला इंसानों की बीमारियों में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ भी इनका जागरूक होना ये दर्शाता है कि कोई इंसान सच्चे मन से जब सेवा की ओर कदम बढ़ाता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन उसको देख रहा है, कौन उसकी तारीफ कर रहा है, उस पर तो जैसे सेवा करने का जुनून चढ़ा होता है। अब आपकी हेल्थ को लेकर क्या योजनाएं हैं, उस पर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। वैसे अभी जो माहौल चल रहा है उसमें स्वास्थ्य पर बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी एक अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है जो हमने कुछ साल पहले ही शुरू किया है, उसके पहले तो, और इसमें हम चार कैटेगरी, चार वर्टिकल में फोकस दे रहे हैं। एक वुमेन एंड चाइल्ड, जिससे ननघर पैदा हुआ है और बहुत कुछ करते हैं वुमेन चिल्ड्रन का, उनका फोकस है कि 8 करोड़ बच्चे और 2 करोड़ महिलाएं का देखभाल करें। दूसरा हमारा एक एनिमल केयर, जो आप मैंने बोला हमने बात किया था, एनिमल केयर का एक बहुत बड़ा वर्टिकल है। तीसरा एक हेल्थ केयर वर्टिकल है, एक स्वस्थ गांव अभियान, जहाँ पे हम 1000 विलेज लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जहाँ बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर मिले और ऐसे मॉडल विलेज बने 1000 जो पूरा देश में रेप्लिकेट हुए। और चौथा हमारी स्किलिंग एंड स्पोर्ट्स की वर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि ये हाथ सिर्फ उन लोगों के लिए ही उठते हैं जिनको मदद की जरूरत है, ये हमारा देश का नाम रोशन करने वालों की पीठ पर भी उतने ही स्नेह से रखे जाते हैं। हेल्थ के साथ ही हमारे यहाँ के खिलाड़ियों की देखभाल, उनको आगे बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान ये मदद के लिए उठने वाले हाथ लगातार कर रहे हैं। खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण से लेकर उनकी सभी जरूरतों का बहुत ध्यान रखा जाता है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का सही प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। अब इस दिशा में ये क्या क्या काम कर रहे हैं जानते हैं हम
इन्हीं की जुबानी। स्पोर्ट्स में भी हमारे दो बहुत बड़े स्टेडियम हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, फुटबॉल का गोवा में भी है और राजस्थान में भी है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं अभी। हमारा आर्चरी का बहुत बड़ी एकेडमी है जहाँ बच्चे अभी कुछ साल पहले 4 साल की लड़की एक नेशनल अवार्ड जीत के आई है आर्चरी की भी। बहुत बड़ी सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हम लोग महिलाएं को। ये हम लोग ने मैराथन जो शुरू किया है दिल्ली में भी जयपुर में भी। तो स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी पैरालंपिक्स एथलीट्स को हम राजस्थान से भेजे हैं, अवार्ड जीत के आए हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी वर्टिकल है। तो ये चारों वर्टिकल में फोकस करके हम लोग बहुत चेंज बदलाव लाना चाहते हैं देश में। देखा कितनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये अपने काम को करते हुए सामाजिक सरोकार में अपना योगदान दे रहे हैं। ये तो हमने अभी बहुत कम चीजों का जिक्र किया है, इनके सोशल वर्क का दायरा बहुत ही बड़ा है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र छूटा होगा जहां तक ये मददगार हाथ नहीं पहुंचे हैं। ये जिस क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसकी बिल्कुल काया ही पलट हो जाती है। नतीजे आपके सामने हैं। नंदघर, जानवरों की सहायता, स्वास्थ्य संबंधी और खेलकूद, सब जगह इन्होंने मदद का बीड़ा उठाकर कई लोगों के सोए हुए सपनों को पंख दिए हैं। उन्हें ये यकीन दिलाया है कि तुम भी उड़ सकते हो। लो, हम तुम्हें पंख देते हैं। आज केन वेदांता और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के प्रयासों का ही नतीजा है कि बाड़मेर अब पहले जैसा बाड़मेर नहीं रहा। वो भी देश के और बड़े शहरों जैसे सपने लेकर आगे बढ़ा और अब लगातार आगे बढ़ रहा है। बाड़मेर को तो आप हम देख ही सकते हैं कि जो था बाड़मेर और जो केन से आने के बाद जो हो गया है बाड़मेर, एकदम एक टाउनशिप बन गया है। लोग वहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं, कम्युनिटी जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं लोग को, लोग फ्लरिश कर रहे हैं वहाँ पे। नंदघर भी है वहाँ पे, जो जो भी मैंने कहा है ये चारों वर्टिकल का पूरा हम लोग बाड़मेर में फोकस देंगे। और जो भी मैंने कहा ये चारों वर्टिकल का, क्योंकि राजस्थान तो दिल में बसा हुआ है, राजस्थान तो हमारे परिवार का रूट्स है और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान सिंह भी है, केन भी है, सब कुछ तो यही पे है। तो जी जी सर, जो भी मैं कह रही हूँ सब राजस्थान में शुरू होगा पहले। खड़ली पड़ू के थे मढ़ाने पधारो, ओ तेल गैस विदाता मढ़ाने मनी कीले, तेल गैस विदाता मढ़ाने मनी कीले। ओ विदेशों से आवे घना लोग, इंसानों को संभालने वाले, उनकी मदद करने वाले तो कहीं ना कहीं से मदद ले ही लेते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता यूं किसी की मदद करना, लेकिन जानवरों की मदद करना तो बिल्कुल ही ऐसा काम है जिसे करके ही सिर्फ खुद को संतुष्ट कर लेना है, क्योंकि वहां से कोई फीडबैक नहीं आएगा। लेकिन ऐसा मानना शायद हमें गलत भी साबित कर सकता है।
उन निरीह जानवरों की आंखों में आपको देखकर आई चमक जता जाती है कि जुबान से भले ही कुछ ना कह पाए पर उनके शरीर का एक एक पोर आपको थैंक यू बोल रहा है, आपको आशीष दे रहा है। ऐसा ही काम अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जानवरों के लिए भी कर रहा है और उन्होंने इस मिशन को नाम दिया है टैको। तो जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई तो मुझे एक एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करना था और मैंने एक सोशल मीडिया में एक योडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया मेरे जो पति है उनके साथ। और मुझे उस टाइम लगा कि कुछ नहीं, एक सोशल मीडिया में एक अवेयरनेस डालेंगे कि यू नो एनिमल्स का कैसे ख्याल रखे। और ओवरनाइट हमारा 30,000-40,000 फॉलोइंग हो गई और अभी लाखों में फॉलोइंग हो रही है क्योंकि एक उस टाइम जो 11 साल पहले कोई कुछ करना ये एक एनिमल वेलफेयर का कुछ ज्यादा कुछ था भी नहीं, तो जो लोग एनिमल्स कुछ आते थे वो इतने सारे भर गए। उस एक ऑटोमेशन हो गया था कि मुंबई शहर में कोई भी एनिमल बीमार है तो उस कम्युनिटी के लोग जाके उसको उसका देखभाल करें, वो पूरे सोशल मीडिया में एक ऑटोमेटिक बन गया था। तो उसके बाद हम लोग ने रेज किए और एक एम्बुलेंस शुरू किए और पूरा मुंबई में वो एम्बुलेंस जाता था। फिर वो एम्बुलेंस के बाद एक 500 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा शेल्टर शुरू किए, उसके बाद 1,000 स्क्वायर फुट का शेल्टर और अभी हमारे पास 4 शेल्टर है। तो ये एक पर्सनल एक लगाव था, तो एक पर्सनल तरीके से मैं खुद शुरू की, तो ये तो बहुत मेरे करीब है। और अभी मेरी बेटी जो है वो हर वीकेंड वहां पे जाती है और इतनी प्राउडली कहती है हमें वो सब अपने सहेलियों को कि मेरे माँ पापा एक एनिमल शेल्टर चलाते हैं। तो ये सुन के हमें इतना अच्छा लगता है कि हाँ। तो टैको द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन एक हम शुरू किया है और यहाँ हमारे अराउंड 3 कैटेगरी ऑफ एनिमल है और जो हम लोग जो देखते हैं जैसे देश हमारे एनिमल के साथ रहती है वो कोई और देश नहीं रहते होंगे। जो इतने स्ट्रे एनिमल्स हैं हमारे, इतनी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ है हमारी, कोई और कंट्री में होगा भी नहीं। और इनके लिए भी हमको सोचना चाहिए थोड़ा और इसलिए हम एक 3 कैटेगरी है। एक डोमेस्टिक स्मॉल एनिमल्स है जो डॉग और कैट है, अपने फार्म एनिमल्स है जो अपने गाय है, गाय माता है, गाय बैल गोट शीप और तीसरी हमारी वाइल्ड लाइफ है। तो तीनों के लिए हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि तीनों का देखभाल अच्छे से हुए। हमारे एटलीस्ट स्मॉल एनिमल्स के लिए जो हम पहले एक हब शुरू करेंगे वहां पे बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर, बेस्ट इन क्लास शेल्टर और बेस्ट इन क्लास एजुकेशन सेंटर। हमारे वेटनेरियन भी बहुत कम है इस देश में, तो हम कैसे और वेट्स लेके आए जो अच्छे से पढ़ के ग्रेजुएट हुए। वेटनेरी एजुकेशन सेंटर भी बनाएंगे। वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे जो इतने सारे एपेक्स प्रेडेटर्स है, हमारे राइनोज भी है, हमारे टाइगर्स भी है, हमारे लेपर्ड भी है, उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ाए, उनका कॉरिडोर्स, तो हमारा एक प्लानिंग चल रहा है अभी और अगले साल एक अनाउंस करेंगे कि तीनों कैटेगरी ऑफ एनिमल्स के लिए हम लोग कैसे एक मॉडल बनाएंगे जो देखभाल करेंगे इनका, जो इनका पॉपुलेशन भी बढ़ाएगा और जो पूरा देश रेप्लिकेट कर सकता है। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है जब आप टैको के माध्यम से काम कर रही हैं लोगों का? बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है क्योंकि लोग पहले हम लोग पहले सोचते थे कुछ साल पहले कि इतने लोग को भी हेल्प करनी है, आप जानवरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। लेकिन आजकल एक रियलाइजेशन जागा है कि हम इस दुनिया में भेजे गए खाली हमारे एक दूसरे को संभालने, एक एनवायरनमेंट को का भी देखभाल करना पड़ता है। जी जी। तो अगर हम लोग एक दूसरे को का ख्याल ना रखें तो फिर कैसे चलेगा? तो बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलती है इससे। और इस तरह से हाथ आगे बढ़ते रहेंगे, लोग उनको थामते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इसी का नाम जिंदगी है। कितनी सही बात कही है इन्होंने कि हम धरती पर एक दूसरे की मदद के लिए ही आए हैं। हालांकि यहाँ आकर ज्यादातर इंसान ये बात भूल जाते हैं। खैर, दुनिया का यही दस्तूर है, सब कुछ एक जैसा होता रहेगा तो हम एक दूसरे की कद्र भूल जाएंगे। अब देखिए ना, ये साल देखते ही देखते हमें पुराना लगने लगा और हम नए की तलाश करते हुए उसके स्वागत में जुट गए। जानते हैं क्यों? उम्मीद, आगे बढ़ने की उम्मीद। यही उम्मीद हमको जिंदा रखती है और इस उम्मीद को जिंदा रखते हैं ऐसे लोग जो सही वक्त पर मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसी में ये जिंदगी का कारवां चलता रहता है। लोगों की आंखों में आंसू देने वाले इस धरती पर हैं तो ऊपर वाला उनको पहुंचने के लिए भी किसी को भेजता है। आइए इन आंसू पहुंचने वाले हाथों का शुक्रिया अदा करते हुए हम स्वागत करें उसका। हमारे बीच आ रहा है एक नया जोश लेकर, एक नई उम्मीद लेकर। हम लोग आई थिंक
देश इतना कुछ पिछले इतने सालों से 5-6 सालों से इतना हम लोग ने कोविड ये सब इतना कुछ हुआ है जी. हम सब फाइट करके निकले हैं इससे और यही विश करना चाहते हैं कि सब सबका हेल्थ अच्छा रहे सब खुश रहे और यू नो अपने अपने अलावा लोगों का भी सोचे. कपा तोरे में तोड़ियो शाहे कपा तोरे में तोड़ियो ओ मारा नखला रे वो मारा नखला रे राताला वारी जावो चिरी मीन ओ मारा नखला राताला ले वारी जावो चिरी मीन डाले रे मारो जेठ जेठानी हे केलाले रे मारो जेठ जेठानी मारे दुजोड़े रे मारे दुजोड़े डाले रे चोर लिया वारी जावो चिरी ओ चिरी मीरा वो चिरे मेरा रे डाला जा वारी जावो चिरे मीरा ओ चिरे मीरा रे वो चिरे मीरा रे डाला जा रे वारी जावो आजयो तरिये मा दूंदे लोरे आजयो तरिये मा दूंदे लो ओ मारे छेरे मेरे रे मारे छेरे मेरे बरे से मे वारी जावो छेरे मे ओ छेरे मेरा वो छेरे मेरा डाला जाने वारी जावो छेरे. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड. मरु मंगला.